हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की राणा नायडू नाम की वेब सीरीज के बारे में, जिसमें टोटल आपको 10 एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं। हर एपिसोड की लेंथ जो आप कह सकते हो 40 से 50 मिनट के अराउंड होने वाली है, कुछ कुछ एपिसोड एक घंटे की भी रहने वाली। अब बात करें, अब देखो इस वेब सीरीज के बारे में, इस वेब सीरीज को फैमिली के साथ चेकआउट कर सकते हैं या नहीं, और क्या चीज इसकी अच्छी है क्या चीज इसकी बेकार है, सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में। आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है सेलिब्रिटीज की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, जो भी हो सकती हैं, छोटी मोटी, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, जैसी भी प्रॉब्लम हो उन्हें सोल्व करने के लिए राणा नायडू नाम का एक हमारा शख्स देखने के लिए मिलता है, जो कि उनके लिए आप कह सकते हो सेटल कराता है या प्रॉब्लम सोल्वर कह सकते हो। और उसका ये काम जो है ठीक ठाक चल ही रहा होता है, लेकिन अब जो है उसके पिता जो है, मतलब हमारे यहाँ पे नागा जो है, नागा नायडू, वो जो है जेल से छूट जाते हैं। अब जो है कुछ सीक्रेट्स होते हैं फैमिली के, जिनके ऊपर जो है पूरी कहानी देखने के लिए मिलने वाली है कि किस तरीके से वो सीक्रेट रिवील होने लगते हैं, और उन सीक्रेट रिवील होने की वजह से राणा नायडू और नागा जो नायडू है उनके बीच में क्या दुश्मनी पैदा हो जाती है, मतलब बाप बेटे के अंदर जो दुश्मनी चलने वाली है, वही सब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को चेकआउट करना पड़ेगा। अभी इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, वरना कहानी पूरी स्पॉइल हो जाएगी। बात करें, अब देखो यहाँ पे हम कंटेंट के हिसाब से जो इसका टॉपिक रखा गया है, तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और लिटरली मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर आपको न्यूडिटी वाले बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, लिटरली भर भर के यार, एपिसोड में एक या दो बार तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे। साथ में अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो भी काफी ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, जिस वजह से आप इसे फैमिली के साथ चेकआउट नहीं कर सकते हो। अब लेकिन बात करेंगे हम यहाँ पर आगे और इसकी अच्छी बातों के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका कंटेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन वो कंटेंट जो है एंड आते आते कहीं छूट जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगा। उन्होंने जो है टॉपिक को जो स्टार्ट किया था वो काफी बढ़िया किया था, मतलब आप ऐसा समझते हो कि कहानी बिल्कुल ऐसे जा रही है और एकदम से ऐसे गिर गई। अब ये ऐसा कब हो जाता है, जब कम से कम इसके दो या तीन एपिसोड खत्म हो जाते हैं तो कहानी फिर एक ही जगह घूमने लग जाती है। तो इसमें आपको जो है सस्पेंस वगैरह देखने के लिए मिलती है, जो मिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जो फ्लैशबैक देखने के लिए मिलते हैं, वो आपको काम कर जाते हैं। अब देखो फ्लैशबैक के बारे में बात करें तो फ्लैशबैक ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। बात करें इसकी पेसिंग वगैरह, इसकी स्क्रीन प्ले की, तो देखो 10 एपिसोड के हिसाब से जो है मुझे इसकी पेसिंग वगैरह बिल्कुल नॉर्मल ही लगी। मुझे ना तो ये स्लो लगे ना ही ज्यादा फास्ट लगे, बिल्कुल ओके डिसेंट ही देखने के लिए मिल जाए। इसमें कैरेक्टर की जो राइटिंग की गई वो काफी बढ़िया की गई, चाहे इसमें कोई सा भी कैरेक्टर उठा लो, चाहे इसमें नागा का हो या राणा का हो या जाफा का हो, अन्ना का हो, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि सारे ही अच्छे लिखे गए हैं। बात करें इसकी एंडिंग की, तो देखो एंडिंग में कह सकता हूं कि हाँ एक ओके तो है, लेकिन वो परफेक्ट एंडिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, कि अभी भी बहुत सारे सवाल रह गए हैं। तो शायद इसका सीजन 2 आएगा, उसमें हमें उन सवालों के जवाब देखने के लिए मिले, लेकिन क्या इस सीरीज को चेकआउट करना सही रहेगा या नहीं, तो हाँ अकेले में आप इसे चेकआउट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे इसमें राणा की परफॉर्मेंस की बात कर लो। और हाँ आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं कि इसमें भी बॉलीवुड को जो है बचाने के लिए साउथ की ही जरूरत पड़ी, ये कहानी का ही प्रमाइज है इसके। ये रिव्यू आपको सामने आ गया होगा, रिव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक लेना, ताकि वापस होना जादू डोना के मैसेज हो पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते हैं वीडियो को एंड, आप अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।